Hello everyone, welcome to our 9th vlog of 60 days challenge. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपका खैर अंदेश भी बिल्कुल खैरियत से है. आज संडे है और लेकिन संडे कोई छुट्टी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है ऑफिस जाने में. तो अभी हम नाश्ता रेडी हो रहा है, नाश्ता भी बेगम कह रही है कि आज कोई डाइटिंग वाला नाश्ता नहीं है, आप जो बनेगा खाना पड़ेगा. मैंने कहा ठीक है जी, खा लेंगे यार, कौन सी कोई ऐसी बात है. अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई है यार, दाढ़ी को सेट करेंगे, कुछ मामला ये वाले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर ऑफिस जाना है आधे पौने घंटे के लिए. उधर कुछ काम चल रहा है, ऑफिस वाला काम देखेंगे और फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, तो वो भी इंशाल्लाह आके एक कज़न के घर जाके देखेंगे इंशाल्लाह. क्यों स्नेहा, आपने मैच देखना है? आपने मैच नहीं देखना? क्यों, आपने क्या देखना है? कार्टून देखा. कार्टून? तो बेटा आप सारा दिन देखती हैं. खैर कार्टून. जी जी जी. खैर पिछले दो तीन दिन से कुछ वाइब्स अच्छी नहीं है यार, कुछ मामला तो बस ऐसे ही हैं. बस दुआ करें अल्लाह ताला सब आसानी करे. होपफुली मुश्किल वक्त होता है, गुजर जाता है, आपको चेहरे पे स्माइल ला के गुजारना पड़ता है, नहीं तो आप अपने साथ ही ज्यादती करते हैं तो वो गुजर जाएगा. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मुश्किल वक्त से कैसे गुजरना है, तो वो गुजर जाएंगे. लेकिन जो साथ वाले मामलात हैं, जो साथ आपके लोग हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, यही कोशिश होनी चाहिए. तो खैर सारे ये काम कंप्लीट करके फिर मैच इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह. यार आज मैंने सोचा कि यार बीएड घर ही बना लेता हूँ और वाइफ से रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरी बीएड की नीचे वाली बॉटम लाइन बना दो तो बाकी काम मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. तो सरप्राइजिंगली वाइफ ने बड़ी ज़बरदस्त नीचे देखभाल की, बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉटम लाइन बना दी और मेरा काम काफ़ी आसान हो गया. फिर मैंने सोचा यार वाइफ को ही ट्रेन कर देता हूँ, वही मेरी बीएड बना दिया करें, ऐसे बार बार को मैं 400-500 देता हूँ. वैसे भी किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, मेरे पास प्रॉपर किट है जिसके अंदर ट्रिमिंग मशीन है, कॉम है, सीज़र है, उसके बाद आफ्टर शेव है, जो भी एक्सेसरीज होती है मैं लेके जाता हूँ. और बार्बर के पास मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो बार्बर के पास होती है वो यूज़ नहीं करता, अपना ही सामान देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्किन मेरी सेंसिटिव है काफ़ी, तो एलर्जी वगैरह हो जाती है. और वैसे भी पूरी दुनिया में होता है, लोग घरों में ये चीज़ें करते हैं, तो वाई नॉट हम खुद करें. अच्छा जी, ऑफिस हम पहुँच चुके हैं और जो कारपेंटर है वो काम कर रहा है. उम्मीद है कि आज हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी वो काम देख के मुझे फ़ील हो रहा है कि अभी हमें अंदर कलर वगैरह भी करवाना पड़ेगा, तो काम और बढ़ गए. ऐसे ही होता है, पहले फील ये हो रहा था कि एक दो दिन का काम है और सारा फिनिश हो जाएगा, हमारी एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन तो आपको पता ही है, आप रोज़ व्लॉग्स में देख रहे हैं कैसे काम बढ़ते जा रहे हैं. तो अभी फ़िलहाल जी ये है कि उन्होंने जो अंदर वाला लकड़ी वाला स्ट्रक्चर है सारा वो उखाड़ के यहाँ पर लगा दिए. ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ये पुराना ही सारा इसको यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे काम चल जाएगा. अब ये वाली हमारे पास जगह जो है ना वो एक्सटेंड हो गई है, अब सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हम अपना वर्क स्टेशन बना लेंगे और ये जगह आगे सारी फ्री हो जाएगी. तो मैं आपको ज़रा यहाँ से दिखाता हूँ, अब बेसिकली इस तरह ही हमारे पास जगह एक्सटेंड हो गई है. तो भाई जी आ जी लरें ने ये काफ़ी काम चल जाएगा इन्हों. देख लो अगर कुछ ले होनी है, दो चार तो ले होने हैं, लेकिन ना ना हो कि यार बाद चो डिग जावे. चलो हले तो सिर्फ एक ही केल लाया, उस तो भी लगेगा, हले भी केल लगा नहीं मजबूत हो जाएगा. क्यों तभी साइड पक्की चेक करो ना, इधर इसने पक्का करना तो इसका बिल्कुल फेट नहीं जा रही. मैं भाई नु कह रहा दरवाजा बाहर नु खोले. नहीं नहीं बा उल्टी बातें ना कर, बाहर सीढ़ियाँ हैं तो मुश्किल होगा, अंदर ही खुले दरवाजा. अच्छा मेरा ये भी आइडिया था यार कि दरवाजा स्लाइडिंग वाला कर लें, पॉसिबल है? क्योंकि असल में मसला इसका ये है इसकी जो सेटिंग पहले की हुई है ना, इधर स्लाइडिंग थोड़ा मसला करेगी काफ़ी. अच्छा नहीं स्लाइडिंग तो नीचे होनी है ना? नहीं नीचे रहेगी, ऊपर सेटिंग कर रही है. अच्छा आज हो जाएगा काम हमारा खत्म? उम्मीद है इंशाल्लाह, ट्राई करते हैं. चलो नहीं 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 मुझे पता है वसीम साहब किस चक्कर में है, वसीम साहब चाह रहे हैं कि मैं इधर बैठूं रोशनी के अंदर, तो हम इधर बनाएंगे, इस चारों टेबल इधर लगाएंगे इस पिलर के सराउंडिंग में बस.
मतलब कि एक टेबल इधर बस चारों साइडों पे एक तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह करके। खैर जी इंशाल्लाह ये काम उम्मीद है कि भाई कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह खैर के राज ख़त्म होगा तो फिर ये देखें ऊपर सारा ये कलर शलर होने वाला, ये पहले नहीं पता था, काम बाद में खुलते हैं तो ये भी फिर इंशाल्लाह रेनोवेशन करके फिर सारी एक दफ़ा अंदर वाली सारी सेटिंग होगी। और फिर अभी तो नहीं लेकिन कुछ अर्से बाद उम्मीद है कि ये वाली जो वॉल सामने इधर भी लकड़ी वाला सारी फ्रेमिंग करवा लेंगे ताकि अंदर वाले जो फ्रेम के साथ मैच कर जाए इंशाल्लाह। कहाँ जा रही है असलीहा? अच्छा जी टॉस जीत लिया है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के बाबर आजम ने कहा हमने बॉलिंग करनी है, तो जब रोहित शर्मा से पूछा तो उसने कहा हमने बैटिंग करनी है, तो दोनों प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी बॉलिंग और बैटिंग में। क्या मैच हुआ है यार, आखिर कर दिया यार, ये कहाँ से आया इतना ज़बरदस्त प्लेयर यार, एक ही बॉल पे दो विकेट्स ले गया, नाम क्या था उसका, जय शाह, वाह जी वाह, क्या टूर्नामेंट हो रहा है यार, मतलब दो मैच हुए जिस पे पूरा टूर्नामेंट डिपेंडेंट था, जिन मैचेस पे ब्रॉडकास्टर्स डिपेंडेंट थे, स्पॉन्सर्स डिपेंडेंट थे, टूर्नामेंट का अपना जो माहौल था वो डिपेंडेंट था, वो दो मैच ही वॉश आउट हो गए। अब उसके लिए रिजर्व डे रखा है कल और यहीं से मैच शुरू होगा। अच्छा अब ठीक है, पहले जो 24 ओवर खेले हैं 20 ओवर कह सकते हैं आप, वो इंडिया ने बहुत अच्छे खेले हैं, आउटस्टैंडिंग खेले हैं, क्रेडिट जाता है उनको, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया और फिर बारिश आ गई। अब ऐसा इंडियंस माने या नहीं माने वो अलग बात है, लेकिन तो ये पहला मैच नहीं है कि इस सिचुएशन के बाद पाकिस्तान ने कमबैक किया हो और मैच जीत गया हो, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ और इस बार भी ऐसा हो सकता था, लेकिन बारिश आ गई। अब मैच कल यहाँ से शुरू होगा, 24 ओवर से शुरू होगा और ज़ाहिर है वो मोमेंटम तो नहीं होगा ना बॉलर्स का होगा, बैट्समैन को ज़रा एज है वो ज़रा रिलैक्स हो के अब 25 ओवर्स का मैच कंसिडर करके बैटिंग करेंगे, बॉलर्स तो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुके हैं, हाफ ऑफ यूज़ हो चुके हैं, तो बैटिंग साइड को एज जाइए इंडियन मीडिया भी कह रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा यार, आप वो चाम ही नहीं रहा कि यार आप कल फिर बैठे हैं मैच देखने के लिए, यानी आप देखें कि इस पूरे टूर्नामेंट के कितने मैचेस डिस्टर्ब होने वाले हैं और कितने मैचेस डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो सबसे बड़े मैचेस थे वो तो डिस्टर्ब हो चुके हैं। खैर अफसोस ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, जब आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं और आपके जो हुक्मरान हैं जो बड़े ओहदेदारान हैं उनका स्टांस इतना ज़्यादा वीक हो तो फिर जो पावरफुल होते हैं वो अपनी बात मनवा ही लेते हैं, जिस तरह जय शाह ने मनवा ली, जिस तरह इंडियन बोर्ड क्रिकेट बोर्ड ने मनवा ली, अच्छे भले मैचेस ये पाकिस्तान में हो सकते थे और बड़ा आइडियल मौसम था, क्राउड भी बहुत अच्छा होना था, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन जो प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान में प्रोटोकॉल नहीं मिलना था, बड़ा बेहतरीन प्रोटोकॉल मिलना था, ये तो वो इंडियंस खुद भी मानते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड को है वो उतना फ़ायदा हासिल हो जितना फ़ायदा वो डिज़र्व करते हैं या जितना फ़ायदा वो हासिल कर सकते थे किसी भी टूर्नामेंट को होस्ट करके। असल तो कोई भी बोर्ड इसलिए होस्ट करता है ना टूर्नामेंट कि वो पैसा कमाए, अब वो पैसा डिवाइड हो गया है पाकिस्तान और श्रीलंका में, और जिन मैचेस से पैसा कमाना था वो भी मैचेस भी वॉश आउट हो गए हैं, अब ना स्पॉन्सर्स का उतना इंटरेस्ट रहा होगा ना ब्रॉडकास्टर्स का उतना इंटरेस्ट रहा होगा, तो सारा दिन भी डिस्टर्ब हो गया, कोई ख़ास एक्टिविटी भी नहीं हो सकी, ज़्यादा काम जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी डिस्टर्ब हो गई सारी। खैर लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है चलता रहता है, तो इंशाल्लाह कल दोबारा एक नए ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने खैर अंदेश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।